हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, देर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि एक बॉक्स में सिक्स मार्बल्स रखे गए हैं और उन मार्बल्स पे 1 to 6 नंबर्स मार्क किए गए हैं, यानी कि पहले मार्बल पे 1 लिखा है, दूसरे मार्बल पे 2 लिखा है, तीसरे मार्बल पे 3 लिखा है, चौथे मार्बल पे 4 लिखा है, पांचवें मार्बल पे 5 लिखा है और छठे मार्बल पे 6 लिखा है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2, यानी कि अगर आप उस बॉक्स में से एक मार्बल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वही मार्बल होगा जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज की बेसिक वीडियो में हमने आपको समझाया था स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी का पता करना है तो उसके लिए आपको दो चीजों का पता होना चाहिए, एक तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स पता करेंगे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करके यहां पर आंसर निकालेंगे। तो यहां सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6। तो हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स के टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है? देखिए, हमारे पास कितने मार्बल्स हैं इस बॉक्स में, 6 मार्बल्स हैं और उन पे क्या-क्या नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल रिजल्ट यहां पर कितने आ सकते हैं, 6। तो इसलिए यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 6। उसके बाद हमने लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 1। अब हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1 है? देखिए, हमें क्या चाहिए रिजल्ट में, हमें चाहिए एक ऐसा मार्बल जिसके ऊपर नंबर 2 लिखा हो। तो हमारे पास जो 6 मार्बल्स हैं उसमें से कितने मार्बल ऐसे हैं जिनके ऊपर नंबर 2 लिखा है? सिर्फ एक ही मार्बल ऐसा है जिसके ऊपर 2 लिखा है, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा, 1। अब हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में हमने लिखा जो रिजल्ट हमें चाहिए, गेटिंग टू, यानी कि हमें 2 चाहिए, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह यहाँ 1 आएगा, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। तो यहाँ पर हमने लिखा 1, अपॉन में हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर हमने लिखा 6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, इसको आप कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 यानी 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी हो तो आपको दो चीजें फाइंड करनी होती हैं, एक तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को आप न्यूमरेटर में रखेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि अगर आप उस बॉक्स में से एक मार्बल निकालते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वही मार्बल होगा जिसके ऊपर नंबर 5 लिखा है। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6, क्योंकि यहां पर टोटल 6 मार्बल्स हैं और उन पे 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे गए हैं, यानी टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू होगा 1, क्यों, क्योंकि ऐसे कितने मार्बल है जिनके ऊपर 5 लिखा हुआ है, ऐसा सिर्फ एक ही मार्बल है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू होगा 1। अब हम यहां पर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पर हमने लिखा है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में हमने लिखा है गेटिंग 5, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 यानी कि उस मार्बल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जिसके ऊपर 5 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर में आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1। तो यहां पर हमने लिखा 1 क्योंकि सिर्फ एक ही मार्बल के ऊपर 5 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 हुआ। अपॉन में हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6। तो ऐसा मार्बल जिसके ऊपर 5 लिखा हो, ऐसे मार्बल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।
थैंक यू।